अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, या फिर फूड विद इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन फूड की होती है वो इसी थ्योरी के जरिए होती है, जिसको हम प्रेशर फ्लो थ्योरी कहते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो जो होते हैं ना मीजोफिल सेल, लीव के मीजोफिल सेल, यहाँ पे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल बनता है। तो ये एक सोर्स है जहाँ पे फूड ने बनना है। फोटोसिंथेसिस में पता है खुराक बनती है, तो अगर हमने उस खुराक को ट्रांसलोकेशन पर्पज के लिए यूज़ करना है, ट्रांसफर के लिए, तो वो जो ग्लूकोज बनती है ना अगर, तो हमने उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसलोकेट करना है, तो उसने कन्वर्ट हो जाना है सक्रोज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर वही ग्लूकोज जो है उसको स्टोर करना है, तो उसने चेंज होना है किसके अंदर? स्टार्च के अंदर, फॉर स्टोरेज पर्पस। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है कि मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगी। अगर ग्लूकोज हमें पता है हमने ट्रांसफर करनी है, प्लांट को पता है कि उसने ट्रांसफर करनी है, तो उसने क्या कन्वर्ट कर देना ग्लूकोज को सक्रोज के अंदर। तो सक्रोज के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी मीजोफिल सेल के अंदर। तुम्हें पता है मीजोफिल सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है और बंडल शीट सेल के अंदर कम है, तो ग्लूकोज यहाँ से कम की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो बंडल शीट सेल के अंदर अब ग्लूकोज आ जाएगी। जब बंडल शीट सेल के अंदर ग्लूकोज आएगी, तो बंडल शीट सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर कम हो जाएगी। तो बंडल शीट सेल से इधर आ जाएगी ग्लूकोज, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा से, और फ्लोएम पैरेन्काइमा से ग्लूकोज आएगी कंपेनियन सेल्स के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कंपेनियन सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी सीपीयू को मिलनी है फॉर ट्रांसलोकेशन पर्पज, क्योंकि मेन जिस चीज़ ने ट्रांसलोकेट करना है ना फूड को, वो सीप ट्यूब है। वो ऊपर वाले ऑर्गन को ट्रांसफर कर दे, नीचे वाले ऑर्गन को ट्रांसफर कर दे, तो वो सीप ट्यूब्स है, जो कि किसकी ट्यूब्स होती हैं? फ्लोएम की एक ट्यूब्स होती हैं, सीप ट्यूब्स फ्लोएम टिश्यूज़ की। तो हमें पता है कि जो कंपेनियन सेल्स है उसके पास न्यूक्लियस है, उसने वो एनर्जी प्रिपेयर करनी है, जो इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है सीप ट्यूब्स को फॉर ट्रांसलोकेशन पर्पज। तो सीप ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसने ट्रांसलोकेशन करवानी है, और ये एक होलो ट्यूब है, एक खाली ट्यूब है, ठीक है ना, होलो ट्यूब होती है ये। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कंपेनियन सेल से जो खुराक है ये यहाँ पे जा जाएगी, ये यहाँ पे ये सक्रोज मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा और वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम, जब यहाँ पे सक्रोज आएगा। तो जब वाटर कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो हमें पता है इसकी बराबरी पे ना सीव ट्यूब्स, फ्लोएम ट्यूब्स की बराबरी के ऊपर जाइलम ट्यूब्स पाई जाएंगी, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होगा। तो जब यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो यहाँ से हाई वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन से वाटर लो की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पानी आगे एक इस खुराक के साथ मिल जाएगा और एक बल्क सी बना देगा, जिसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक बल्क जब बन जाएगी और फ्लोएम क्या होगा, ये लोड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे खुराक के साथ पानी मिल गया और एक काफी फ्लोइम जो है वो भर गया, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये है फ्लोइम लोडिंग, फ्लोइम की लोडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब जहाँ पे ये खुराक चाहिए ना, चाहे नीचे की तरफ चाहिए तो वहाँ तक ले जाएगा सीव ट्यूब, या ऊपर की तरफ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी यूज़ करते हुए, ठीक है ना, एटीपी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएगा खुराक को। तो जब नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे एक वो बल्क मौजूद है, वो सक्रोज मौजूद है। अब उस सक्रोज ने जिस रीजन की तरफ मूव करना है कर देगी, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर। अब ये देखें, ये सक्रोज इस तरफ मूव कर गया है और एट लास्ट सिंक तक ये पहुँच चुका है। पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास मौजूद है वाटर, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है वाटर। तो अब जब पानी मौजूद है, तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन फिर ज़्यादा हो गई है, तो फिर पानी ने क्या करना है, फिर यहाँ से इस तरफ वापस चले जाना है जाइलम की तरफ, और फ्लोएम के अंदर अब पानी भी नहीं मौजूद और ना ही सक्रोज मौजूद है, तो फ्लोएम क्या हो गया है, अनलोड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको प्रेशर फ्लो थ्योरी की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।